नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चैट जीपीटी के बारे में। हाँ, तुम लोग बोलोगे कि लेट है प्रतीक, पहले ही बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है और रील्स तो पूछो मत, पूरी रील्स उसी से भरी पड़ी है। चैट जीपीटी, अर्निंग कर लो, करोड़ों कमा लो, लाखों कमा लो। मुझे भी लगा कि एक्सप्लोर करना चाहिए और देखना चाहिए क्या सचमुच इतना जेन्युइन है जितना लोग कह रहे हैं, जितना बिल्डअप दे रहे हैं लोग, क्या सचमुच उतना यूनिक है चैट जीपीटी। उसी के बारे में वीडियो में रिसर्च किए, थोड़ी बहुत और थोड़ा बहुत अपना आइडिया लगाया है और एक सिंपल तरीके से समझाने का ट्राई करूंगा कि चैट जीपीटी एक्चुअल क्या है और सच में उससे क्या क्या कर सकते हैं। बस इतना ही, बहुत लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा, ट्राई करूंगा क्योंकि लास्ट टाइम से 10 मिनट तक की वीडियो जा रही है, तो थोड़ा ट्राई करेंगे कि जल्दी जल्दी वीडियो को फिनिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, चैट जीपीटी सबको पता है एक AI टूल है, ठीक है, AI बॉट है जो कि आपकी क्वेरीज को सॉल्व करता है। वो इमेज प्रोवाइड करने के लिए एक डाली करके वहाँ प्रोवाइड करती है इमेज, बट आप अगर एक्चुअल से इमेज मांगते हो तो वो आपको इमेज नहीं देता है, बस आपको टेक्स्ट ऑन में आपको सोल्यूशन देता है, ठीक है। अब ऐसी जितनी भी आपकी क्वेरीज हो, चाहे वो असाइनमेंट हो सकते हैं या फिर कोई भी क्वेरी हो सकती है जो आपके थॉट्स में आता है, ठीक है, जो भी क्रिएटेड हैं, जो भी अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट या फिर जो भी वो सीखता है AI के थ्रू, वही आपको प्रोवाइड करता है। आप कुछ भी उससे पूछ सकते हो, जो भी हेल्प चाहे ले सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि चैट जीपीटी जो है, क्या सचमुच उससे हम अर्निंग कर सकते हैं? तो सिंपल भाषा में कहूँ तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हाँ कहूँगा तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ कहूँ क्या? ठीक है, आप अर्निंग कर सकते हो, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए एकदम एक सेंटेंस एक वर्ड में, तो सिर्फ नहीं आंसर है। आप चैट जीपीटी का यूज़ करके अर्न नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती, अर्निंग करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। अर्निंग आप कर सकते हो रिसर्च करके, क्वेरी का आंसर लेकर, बहुत सारे क्वेश्चंस करके और उसको मॉडिफाई करके, एक रेफरेंस लेकर। आप पहले से कुछ अच्छा सोचते थे, आप उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, तब उसका यूज़ कर सकते हो। अब इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँगा एक एग्जाम्पल के थ्रू ताकि अच्छे समझ में आए। देखो यार, चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है, लाइक आप पहले कॉलेज जाते थे या स्कूल जाते थे, पैदल जाते थे, ठीक है, फिर आपको साइकिल मिल गई, ठीक है, अब आपको बाइक मिल गई, पहले इंटरनेट मिल गया, पहले बहुत सारे ब्राउजर ढेर सारे सर्च रिजल्ट देते थे, अब उसमें आपने एक्सटेंशन या प्लगइन ऐड कर दिया तो आपको एक साइकिल की तरह, मतलब थोड़ी ज़्यादा हेल्प होने लगी। देखो यार, तुम्हें स्कूल तो जाना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज जा रहे हो तो जाना तो पड़ेगा ही। चैट जीपीटी क्या किया है, थोड़ा फास्ट पहुंचाएगा आप। सेम थिंग, पहले जो आप रिसर्च गूगल से बहुत सारी एक्सप्लेनेशन लेते थे, अलग अलग पॉइंट्स से चीज़ें ढूंढते थे, बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे, तब आपको चीज़ें मिलती थी, अभी वो चीज़ें अलग वे में थोड़ा जल्दी मिल जाती हैं। बस यही काम करता है चैट जीपीटी। आपको क्या लगता है, जो जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और भी बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, या फिर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे लोग कंटेंट राइटर हैं, या फिर बहुत सारे लोग जॉब जो करते हैं, क्या वो पहले जॉब नहीं करते थे? क्या वो पहले वीडियोस नहीं बनाते थे? मेरी बात अलग है। मैं हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों ਨਾਲ डील करना होता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो बनाते तो सभी लोग थे ना, सो हम तब भी रिसर्च करते थे, तब भी चीजों को ढूंढते थे, बस टाइम लगता था, अभी टाइम नहीं लगता। सेकेंड थिंग, अर्निंग की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है? मैंने जैसा कि बताया, क्वेरी सॉल्व करना सीखो, रेफरेंस लो, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो, एक एक क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उससे पूछो, आपको डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। अब वहाँ से एक अच्छा सा कंक्लूजन निकालो और अपने आइडिया को उसमें इंसर्ट करके एक अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट करो, या फिर जो भी आपको क्रिएट करना है, जो भी किसी को डिलीवर करना है वो डिलीवर कर सकते हो आप। अब दूसरी बात, चैट जीपीटी एक अच्छा टूल है लेकिन उसका यूज़ करना भी आना चाहिए। चैट जीपीटी की बात छोड़ो यार, बहुत सारे AI टूल्स आ चुके हैं, ठीक है, तो उनका यूज़ करना आना है और उन्हें कैसे यूज़ करना है वो भी जानना जरूरी है। चैट जीपीटी के लिए आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट यूज़ करने हैं। प्रॉम्प्ट यूज़ करने के लिए आप खुद चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हो, लाइक कैसे प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो, या फिर से एक प्रॉम्प्ट है कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करनी तो एक्सप्लेन IM5 ऐसे करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर किसी चीज़ को अच्छे से हाईलाइट करना तो डबल इनोट काम करके पूछ सकते हो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को एक्चुअल में सीख कर चैट जीपीटी को अच्छे से यूज़ कर सकते हो और अपनी क्वेरी के लिए अच्छे से उसका यूटिलाइज कर सकते हो, तो ये एक बेनिफिट है उसका। अब ठीक है, थोड़ा चैट जीपीटी से हटकर कुछ और AI टूल्स पर आते हैं। फाइन, बहुत सारे AI टूल्स आ चुके हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, आपके कंटेंट राइटिंग के लिए, और जो भी आपकी पोस्ट वगैरह क्रिएट करने के लिए यूं क्रिएट कर देते हैं तुरंत, मतलब आपने अपना कंटेंट दिया और जस्ट क्रिएट हो गया, तो उस पर भी वो प्राइसिंग लगाते हैं। मुझे इसीलिए पर्सनली शॉर्ट्स वीडियो पसंद नहीं आती हैं और बहुत से लोग कहते हैं प्रतीक बनाओ, और मैं खुद ही नहीं बनाना चाहता, बट फिर भी ट्राई करूँगा बनाना, क्योंकि जो शॉर्ट वीडियो रील्स होती है ना, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कन्वे हो ही नहीं पाती। आपको कोई AI टूल बताया जाता है या फिर कोई वेबसाइट बताई जाती है तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बताई ही नहीं जाती, जस्ट हाँ ये पांच वेबसाइट बता दी, अब उसके बारे में आपको खुद ही एक्सप्लोर करना है। बट एक जो कंप्लीट वीडियो होती है ना, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है कि वो टूल फ्री है कि नहीं,
वो टूल फ्री है या पेड है, या उसमें आप कितने देर तक यूज़ कर सकते हो, अगर आपको फ्री में यूज़ करना है तो क्या करना है, अगर आप पेड यूज़ करना चाहते हो तो क्या करना है, आपको कब उसका पेड वर्जन लेना चाहिए, कब फ्री वर्जन लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक लंबी वीडियो में एक्सप्लेन किया जाता है। बट एक शॉर्ट्स या रील में ये सब चीज़ें नहीं दी जाती। पर्सनली इसीलिए मैं प्रीफर नहीं करता शॉर्ट वीडियो बनाना। आई होप आपको रीज़न मिला होगा। सो एक सेंटेंस में कहूँ तो चैट जीपीटी का आप यूज़ करो, अच्छे से यूज़ करो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर जो जॉब आप करना चाहते थे या फिर जो आप स्किल सीख रहे थे उसको सीखो। ऐसा मत सोचो कि कॉपी पेस्ट करने से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, ये इम्पॉसिबल है। मैं लिख कर दे सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मॉडिफिकेशन सीखो, खुद का आइडिया बिल्ड करो। चीज़ें अप एंड डाउन होती रहेंगी और भी नए नए AI टूल्स आते रहेंगे, तो ये सब सोचना नहीं है, हमें अपने ऊपर काम करते रहना है। और जहाँ तक बात रही AI टूल्स की, तो वो हमारे लिए ही है, उनको यूज़ करके मॉडिफाई करके चीज़ों को और बेहतर करना है और आगे बढ़ते रहना है। और एक सजेशन देना चाहूँगा, प्लीज़ रील्स को ब्लाइंडली फॉलो मत किया करो, अर्निंग कर लो कुछ भी। एक टिप यही दूंगा, जिस जॉब को ढूंढ रहे थे उसको ढूंढते रहो, उस पर काम करते रहो, जो भी स्किल सीख रहे थे करते रहो, जब उसको सीख लेना उसी फील्ड में जॉब एक्सप्लोर करो। जॉब मिलने के बाद आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, नॉट कम्प्लीटली बट थोड़ा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डे बाई डे चीज़ इंप्रूव होगी। कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है तो सभी लोग यूज़ करते हैं, और जब सभी लोग यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू गिरती रहेगी। अभी तो चैट जीपीटी प्लस भी आ चुका है, तो उसको देखेंगे कैसे काम करता है या क्या उसका फीडबैक या रिव्यूज होते हैं, वो भी हम चेक करेंगे। बट अभी के लिए उसे एक ऐसा टूल समझो जो आपके काम को आसान बना रहा है, आपके काम को ख़त्म नहीं कर रहा है। पहले तो ये माइंडसेट क्लियर करो, आपके काम को वो ख़त्म नहीं कर रहा है, आपके काम को आसान बना रहा है। तो बस यही था एक वीडियो में। आई होप थोड़ा सा अवेयरनेस पहुंची होगी चैट जीपीटी को लेकर, जो माइंडसेट है वो क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।